हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइज, नागपुर यूनिवर्सिटी के पीजी एडमिशंस के ऊपर हमें अब जो ऑफिशियल अपडेट्स है वो देखने को मिल रहा है। साथ ही में गाइज एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आया है जिसमें ये बताया गया है कि कैसी पूरी जो प्रोसेस है वो रहने वाली है, ठीक है। और ये सारे जो अपडेट्स है ये आए हैं नागपुर यूनिवर्सिटी के डिजिटल यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर। जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट इस पेज पर आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो होम पेज पे लिखा है पीजी एडमिशंस विल स्टार्ट सून। इसका मीनिंग यही है कि अब तक जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं हुई है, बहुत ही जल्दी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही स्टार्ट होती है उसका भी जो अपडेट है वो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। साथ ही में इस वेबसाइट पर एक पीजी नोटिफिकेशन भी आया है, इसमें क्या लिखा हुआ है वो भी हम देखते हैं। तो ये है वो नोटिफिकेशन और इसमें काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड वो दी हुई है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे यही लिखा है कि जो एडमिशन प्रोसेस है पीजी एडमिशन, वो कॉलेज लेवल पे जो है वो कंडक्ट की जाएगी एफिलेटेड कॉलेजेस के, ठीक है। पीजी में एफिलेटेड कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले तो आपको आरटीएमयू के इस वेबसाइट पे जो है वो रजिस्टर करना होगा, ठीक है, जो कि ये वेबसाइट है। यहाँ पे आपको जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है तो यहाँ पे आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करना होगा। वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होती है, ठीक है। अगर आपको एडमिशन लेना है तो जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी आपको करना होगा। रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे तो फिर आप वैलिड नहीं रहोगे एडमिशन लेने के लिए, तो रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी। और वेबसाइट की लिंक भी यहाँ पे दी हुई है, साथ ही में डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन करते समय आपको 20 रुपीज़ जो है वो पे करना पड़ेगा ऑनलाइन, साथ ही में जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो आपको जो है वो वहाँ पे अपलोड करने होंगे, ठीक है। और उसके बाद जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना है वहाँ पे आप जो एडमिशन है वो डायरेक्टली ले सकते हो, क्योंकि कॉलेज लेवल एडमिशन रहेगा। बस जो रजिस्ट्रेशन है आरटीएमयू की वेबसाइट पर, जो कि ये वाली वेबसाइट है, वो करना कंपलसरी है। बाकी फिर आप जो कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो उसमें ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको आरटीएमयू के डिपार्टमेंट्स में, जो कि कैंपस डिपार्टमेंट्स होते हैं, वहाँ पे एडमिशन लेना है तो फिर आपको इस बार जो है वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन देनी होगी, ठीक है। तो एफिलेटेड कॉलेजेस अलग होता है और जो कैंपस के डिपार्टमेंट्स होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। तो जिनको बस डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना है उनको ही जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो देना है, जिनको एफिलेटेड कॉलेजेस में एडमिशन लेना है उनको कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल दे दूँ, सपोज अगर आपको शिवाजी साइंस में एडमिशन लेना है या फिर अंबेडकर कॉलेज में एडमिशन लेना है या फिर इंस्टीट्यूट साइंस में एडमिशन लेना है तो आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट अगर आपको आरटीएमयू के कैंपस में एडमिशन लेना है, जो 40 डिपार्टमेंट है आरटीएमयू के कैंपस के अंडर आते हैं, वहाँ पर लेना है तो फिर आपको जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो देनी होगी, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली लिखा है तसेच सर्व संबंधितांना सूचित करण्यात येते की विद्यापीठाच्या शैक्षणिक विभागातील पदव्युत्तर मीन्स पीजी पदवी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाकरीत विद्यापीठद्वारे प्रवेश पूर्व परीक्षा एंट्रन्स एग्जाम घेण्यात येणार असून सदर परीक्षा पूर्व परिस्थित प्राप्त गुणांच्या आधारे विद्यापीठाच्या पीजी विभाग प्रवेश देण्यात येतील याची कृपया सर्व संबंधितांनी नोंद घ्यावी। प्रवेश पूर्व परीक्षा बाबतच्या अधिसूचना लवकरच, मीन्स गाइज जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन की इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही जल्दी हमें इसी वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी। जैसे ही एंट्रेंस एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आता है उसका भी मैं आपको जो अपडेट है वो दे दूंगा, ठीक है। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन कहाँ पर एडमिशन लेने के लिए देना है और जो एफिलेटेड कॉलेजेस है वहाँ पर तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना है, ठीक है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन है और भी काफ़ी सारे जो अपडेट्स है वो जल्दी आएंगे। एंट्रेंस एग्जामिनेशन का क्या सिलेबस रहेगा और सिलेबस अगर आएगा तो कहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हो, इसके ऊपर भी मैं आपको जो अपडेट्स है वो दूंगा। आरटीएमयू के कैंपस में एडमिशन लेने से आपको क्या सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं, इसके ऊपर भी मैं आपको काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आने वाले वीडियोज़ में देने वाला हूँ। बट फिलहाल अभी इतनी जो इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल है। जैसे ही सारी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है तो डिटेल में आपको और भी जो वीडियोज़ है वो देखने को मिल जाएंगे। और एक चीज़, अगर आप एडमिशन प्रोसेस में पार्ट लेने वाले हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन याद से दबाना, क्योंकि सारे जो अपडेट्स हैं मैं आपको टाइम टू टाइम दूंगा। और अगर आप सारे अपडेट्स देखोगे तो आपको कोई भी जो प्रॉब्लम है वो एडमिशन प्रोसेस में नहीं आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। होप्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा देना ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे जो अपडेट्स हैं वो मिलते